देशभक्त, जनेवधारे हिंदू, शिव भक्त, कांग्रेस के झंडा बरदारों ने एक से बढ़कर एक अलंकार से राहुल को नवाज कर नंबर बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन अलंकार गढ़ने के दौरान वो आपको शायद ये बताना भूल गए कि चीन के दोस्त राहुल, पाकिस्तान के हमदर्द राहुल, विदेशों में भारत को जातिवादी दलदल में धंसने वाला देश बताने वाले राहुल, आलू डालकर सोना निकालने वाले राहुल के हुनर का हिंदुस्तान तो पहले ही कायल हो चुका था, अब चीन और पाकिस्तान से हमदर्दी पर देश को पेट दर्द हो रहा है, क्योंकि ये हमदर्दी पच नहीं रही। आखिर हमदर्दी ही क्यों, वो भी उनसे जो भारत के हमेशा दुश्मन रहे हैं, वो भी उनसे जो भारत की सरजमी पर हमेशा आतंक के बीज बोते हैं, वो भी उनसे जो भारत के पीठ में खंजर घोंपते हैं। आज पीएम की कुर्सी के लिए बेताब राहुल से कुछ सवाल है। जब डोकलाम के मुद्दे पर भारत और चीन के बीच विवाद चल रहा था तो चीन के राजदूत से राहुल क्यों मिले? जब राफेल की आग पर दुश्मन देश पाकिस्तान भी हाथ सेक रहा है तो राहुल पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहे हैं? हाफिज सईद की जुबा बोलने वाले सैफुद्दीन सोज पर राहुल ने कार्रवाई क्यों नहीं की? जिन्ना के गुणगाने वाले मणुशंकर अय्यर को दोबारा पार्टी में क्यों रख लिया गया? राहुल भैया, सिर्फ शिव भक्ति का स्वांग रचने से कोई देशभक्त या हिंदू नहीं हो जाता। अमरनाथ की यात्रा के दौरान तस्वीरें खिंचवाकर कोई सच्चा शिव भक्त होने का दावा भले ही कर ले, लेकिन ये भी सच है कि अपने ही देश की एक सुरक्षा डील पर सवाल उठाकर डील के रास्ते में रुकावट बनना शिव नहीं सिखाते। चलिए, सरकार तो राफेल की कीमत नहीं बता रही इसलिए राहुल हंगामा कर रहे हैं, लेकिन राहुल बाबा से एक और सवाल कि वो बार बार राफेल की कीमतों को लेकर इतना कंफ्यूज क्यों हैं? अब तक राहुल बाबा अपनी सरकार की चार कीमतें बता चुके हैं। तारीख 20 जुलाई 2018, संसद में राहुल ने राफेल की कीमत बताई थी 520 करोड़। राफेल हवाई जहाज हमारी यूपीए की डील में हवाई जहाज का दाम 520 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज। पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई, पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई, प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए, वहां पे किसके साथ गए पूरा देश जानता है, और जादू से हवाई जहाज का दाम 1600 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज हो गया। राहुल कर्नाटक के बीदर में चुनावी सभा कर रहे थे, तब उनकी नजर में उनकी सरकार के दौर में खरीदे जा रहे राफेल की कीमत थी 526 करोड़, यानी राहुल बाबा यहां पलट गए। यूपीए ने 526 रुपए का एक हवाई जहाज खरीदा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की, एचएएल को कॉन्ट्रैक्ट देने की बात की, चौकीदार ने एक हवाई जहाज 1600 करोड़ रुपए का खरीदा, एचएएल को परे किया और अपने मित्र अनिल अंबानी जी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। वहीं जयपुर में जब राहुल बोल रहे थे तब उनकी सरकार के राफेल की कीमत उन्होंने बताई 540 करोड़। एक हवाई जहाज के लिए यूपीए ने 540 करोड़ रुपए दिया था। नए कॉन्ट्रैक्ट में नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं, डिफेंस मिनिस्टर ने नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं एक हवाई जहाज को 1600 करोड़ रुपए में खरीदा है। 29 अप्रैल 2018 को बोलते हुए राहुल ने अपनी सरकार के राफेल की कीमत बताई थी 700 करोड़ रुपए। सच पूछिए तो राहुल बाबा खुद कंफ्यूजन में कि उनकी सरकार ने एक हवाई जहाज पर कितना खर्चा किया। विरोध करना ठीक है, लेकिन विरोध करते वक्त देश की सुरक्षा और आंतरिक मसलों का ख्याल जरूर रखना चाहिए, जिससे दुश्मन देश को हंसने का मौका ना मिले। लेकिन राहुल बाबा को शायद ये बात समझ नहीं आती। अब क्या करें? कांग्रेस का एक नेता हाफिज सईद की भाषा बोलता है, एक नेता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में चला जाता है, एक नेता कश्मीर को भारत से अलग बताता है, एक नेता जिन्ना की तारीफ करता है। जब अध्यक्ष पाकिस्तान के दोस्त बन गए और चीन से दोस्ती निभा रहे हों तो बाकियों का क्या कहें।